बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। क्यों डालेगा महली, क्यों डालेगा, सिंपल सी बात। अरे राम राम महली सरकार कुछ शुरू में ही मोमिन भाई लोग जुड़े हुए थे। मैंने स्ट्रीम स्टार्ट भी नहीं की थी और बैक स्टेज पे 6 मोमिन भाई थे अपने। और फिर जब आप शुरू की देखिएगा बड़ी मजेदार थी। फिर गाली गलौज खाई माँ बहन की मैंने, और दीनी भाई भी थे अपने गालिब भाई। तो गाली गलौज खाने के बाद करके गए मतलब यहाँ पर वो आकर, हाँ जबरदस्त। फिर मोहम्मद अरबी की जबान में वो माँ बहन को याद किया ना, और बड़ी प्यारी एक हदीस मैंने पेश की थी, जब तक ये गालियां नहीं देते हैं तो सुन्नत कंप्लीट नहीं होती ना इस्लाम में। जब तक किसी को माँ बहन की गाली ना दो, आर की गाली ना दो, और तो हमें तो आपको क्या पड़ती है, तो हमें पड़ती है, हमें तो डबल पड़ती है, यू नो। और तो खवातीन तो ज्यादा पड़ती है, हमको तो और वो होते हैं कि ये कैसे बोल रही है, मर्द तो बोल लेता है ना, और हमें तो बोलने की इजाजत नहीं है, हमें तो और ज्यादा पड़ती है गालियाँ। लेकिन महली जी, अगर एक तरीके से आप देखें तो आप बहुत फायदे का भी में छूट सकती हैं। अगर आप किसी को गाली दें तो गाली पूरी नहीं मानी जाएगी, आधी मानी जाएगी। आप अगर किसी की माँ को गाली दे दें, माँ बहन की गाली, तो पूरी नहीं मानी जाएगी। अगर वो बोले कि आपने मुझे गाली क्यों दी, आप बोले कि मैंने आधी गाली दी है। क्योंकि कुरान कहता है कि आपकी गवाही और आपका आपकी अक्ल सब कुछ तो आधा है, गाली भी आधी मानी जाएगी। मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि आधी अकलों वाली ये पूरे अकल वाले मर्दों को पेट से निकाल कर पाल के इतना बड़ा बड़ा मुष्टंडा कैसे बना देती है, मेरी ये समझ में नहीं है आज तक। हाँ, और फिर आपकी स्किन देखकर कमजोर भी होते हैं। अरे आपकी आवाज गई मैली जी, आपकी आवाज बम्बई आवाज आप बोलोगे पहले। हाँ मैले जी आप बोलिए पहले। नहीं नहीं आप पूछ ले, मैंने खत्म कर। मैं कह रही हूँ मैं ड्राइविंग उसपे हूँ ना, तो सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा कभी कभी बीच में, बट इट शुड वर्क। जी पूछो आप। इट्स ओके, आप बोलिए अपनी बात। नहीं मैंने कंप्लीट कर लिया, आप बताएं मुझे स्टोरी बताएं। मोमिन अभी कोई मोमिन नहीं बैठा है यहाँ पर, मुझे वैसे बहुत भूख लगी है। और मैं देखता एक सेकुलर भाई हैं, देखते हैं उनको देख लेते हैं। तो उसके पहले एक ये हदीस है, मैं लीजिए जरा पढ़ें, तो आपकी तो इंग्लिश जबरदस्त है। द प्रॉफिट सेड व्हेन यू ईट डू नॉट वाइप योर हैंड्स सो यू हैव लिक्ड इट or had it licked by someone else. अच्छा ये उंगलियां चाटने का चूसने का इन लोगों को बड़ा शौक है। अरे नहीं, उंगलियां चाट लें चूसने कोई दिक्कत नहीं है, ये बता रहे हैं कि आप खाना खाने के बाद आप अपनी उंगली चाट लें, अगर आपको नहीं चाटना है तो किसी और को चटाएं। ये अब पता नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि ये मोहम्मद साहब जो थे ना, उनको ज्यादा ही वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड थे, उनको हर चीज में ना कुछ सेक्सुअल घुसाना था, किसी और से आप कैसे वो करेंगे। मतलब चाटना चटवाना ही इस्लाम है। हाँ यानी खुद नहीं चाटो तो किसी और के मुंह में चटवाने का क्या मकसद है आपको। ये तो भैया जब चंद लोगों के सेक्सुअल एक्ट होते हैं ना, तो वो मुंह में हाथ डाल के और चूस रहे होते हैं, लिख कर रहे होते हैं, तो ये खाते में भी अभी थरक जाग रही थी, उन्होंने मुंह के अंदर डाल दिया होगा एक दिन, तो उसके बाद अच्छा ये तो फिर उसके बाद अपने नवासे इमाम हुसैन के और इमाम हसन के मुंह में भी अपनी जुबान चुसाते थे डाल करके। ये तो हदीसों में बाकायदा लिखा भी हुआ है। बुक जो है ना, ये बुक रिलीजन की बुक तो मुझे नहीं लगती, ये इसको तो यानी वो क्या है कामा सूत्रा वगैरह सबको पीछे छोड़ दिया, ये सिर्फ टांग से स्टार्ट होती है औरत के और सेक्स पे ही घूमती रहती है, घूमती रहती है। यानी ये खुदा ऐसा था जिसने
आपको ये नहीं बताया सूरज चांद सितारे ये पूरा यूनिवर्स क्या है क्या नहीं है, बस सिर्फ ये बता दिया किस तरह से उंगलियां चाटनी है, किस तरह से आपने मुबाशरत करनी है, खेती है इसमें से आओ, लेकिन सारी चीजें सेक्स के ऊपर है। सुराखों पर ज्यादा जोर दिया गया इस किताब में। वैसे देखते हैं एक सेकुलर भाई हैं, सेकुलर भाई आप कैसे हैं? मतलब तो पूछ ले, मैं चुप हो रहा हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ। जी अच्छी है, माशाल्लाह। एक मिनट ओम भाई, सेकुलर भाई अभी आप मोमिन हैं? हाँ जी मोमिन हैं, बोलिए। अच्छा कोई सूरा वगैरह पढ़ के सुना दे, सूरा लहब सुना दे। अरे ये शबे महराज का दिन है, आज का झूठ बोलूंगा भाई, दूसरे दिन पहले झूठ बोल लूंगा, आज भी झूठ बोलूंगा। बोलो आगे की बात करो, कन्फर्म है ये, आगे की बात करो, जाने दो। मैंने बोल दिया ना मुस्लिम है, फिर तुम टेंशन का बोले, शबे महराज बोल दिया और क्या बोलूं। उंगलियां चाटना पसंद करेंगे। हाँ जी उंगली चाटने के बारे में क्या बोल रहे थे? पहले आप कोई आया सुना दे, पहले पता चल जाए। साजिद भाई, साजिद भाई मैंने सभी महाराज का नाम ले लिया यार, वो ये भी बोल दिया कि आज क्यों झूठ बोलेंगे हम लोग, क्या थोड़ा बहुत भरोसा भी करा। ओह मतलब 364 दिन झूठ बोल सकते हैं, आज के दिन आप लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं ना? अरे वो तुम लोग किधर भी मत लेके निकले, बस इतना बोला मैंने कि आपने तो यही कहा कि आज के दिन तुम लोग मत बोलो यार, तुम लोग क्या एक मुसलमान ने मर्डर कर दिया तो सब मुसलमान मर्डर कर देंगे? सेकुलर भाई, सेकुलर भाई आपने कहा कि आज क्या ये गलती आदत है, यही गलत आदत है तुम लोगों की। देखें देखें, चिल्लाने चिल्लाने प्यार से, चिल्लाने प्यार से आपने कहा कि आज की झूठ बोलेंगे। नहीं होगा, कन्फर्म होगा, मैं मुसलमान हूँ, आगे की बात करो तुम, जान दो होगा मुसलमान हूँ मैं, आगे की बात करो। बोलिए पक्का मुसलमान आप हैं, हम कैसे मान लें? पक्का है वाई वाई शुड वाई शुड मैं ये देखो मैं सिस्टर को पहचान था, एक्स मुस्लिम समीर को पहचान था, एक्स मुस्लिम साहिल को पहचान था, अली शाह को पहचान था, हमारे मुन्ना भाई चले इतना भी हदीस को पढ़े, आप पढ़ आप पढ़े, अब ये मत कहिएगा आप पढ़े पढ़े कहाँ से पढ़ने का, इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहां से पढ़ने का ना। हाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स खाना खाए तो हाथ चाटने या किसी को चटवाने से पहले हाथ ना पोछे। बिल्कुल आप पास भी हो गए, आप मोमिन हैं, पता चल गया। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? ये लेकिन ये जो उंगलियां सब सब में ये थोड़ा मतलब मुझे क्रॉस वेरिफिकेशन। अरे आपकी आवाज अच्छा, मैली जी इनकी आवाज क्लियर समझ आ रही है एक दूसरे में, ये बुलेट ट्रेन की तरह एक दूसरे में लड़ रही है सब। हाँ थोड़ा फास्ट बोल रहा था मैं, थोड़ा स्लो बोलता मैं। हाँ आराम से बोले। ठीक है ना, मैं ये जो है ना ये हदीस जो है ना सर, मैंने पहली बार सुना, उंगलियां चाटने के तक के मैंने सुना था कि भाई खाना खाने के तो उंगलियां चाटना सुन्नत है। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते जो प्लेट में खाना खाते उसमें पानी डालते और वो प्लेट को घुमा के वो पानी पी लेते, और ये भी और उसके आगे का प्रोसेस भी होता था, अगर अगर कोई लुकमा अपने हाथ से गिर गया अगर वो दस्तरखान पे है तो हम लोग शायद उसको खा सकते है, अगर अगर दस्तरखान पे नहीं गिरा तो उसको हम लोग उठा के खा नहीं सकते, तो ये सब चीजें है। लेकिन दूसरे से उंगली चटवाना है थोड़ा मेरे को ये कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ तो जरा कंफर्म कीजिए कि मतलब और सही हदीस से, बिल्कुल सही हदीस से बुखारी में लिखा है। नहीं आलिम मुफ्ती खारी ये जो भी हैंगे कैसा ना, मैं ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। ओके तो मेरा एजुकेशन प्रोफेशन है थोड़ा, ये हदीस मेरे सामने ही तुम्हारे सुने। तो फिर नबी ने कहा कि तो नबी जब जब ज्ञान नहीं था और फालतू क्यों ज्ञान दिया करते थे, क्यों हाँ क्यों ऐसी बातें किया करते थे, लोगों को हकारत आए, लोग एकदम मुंह अजीब सा बना ले, अरे यार ये क्या कह दिया नबी ने। नहीं देखो अभी ये अगर आपके सामने ऐसी चीज आए इसको छोड़ दें, क्या आप अपने आलिम से पूछे? नहीं नहीं चलिए आपसे जाती पूछ लेते हैं, आपकी जाती राय पूछ लेते हैं कि चले वो तो आप तुम्हारे को दूसरे को उंगली चटाना नामुनासिब बात है। ओके नामुनासिब है ना, नामुनासिब बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, रॉन्ग बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा इसको पहले कंफर्म कर लूंगा। आप क्या कहेंगे? मैंने बोल दिया ना मेरे हिसाब से गलत है, बोल दिया ना मैंने, गलत है तो गलत है ना, मेरे हिसाब से तो गलत ही लग रहा मुझे, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा क्योंकि मेरे सामने हदीस सिर्फ इतने तक के आए थे कि उंगली चाटने तक के आई थी, लेकिन दूसरे से चटवाना बोले तो अपने मुंह की अपने खाने की तो ये मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। हाँ और एक जगह मैं आपको मल्टीपल जगहों पर दिखला देता हूँ, वेट करें देखें। नहीं, समझ गया ना, ठीक है ना, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा आगे कैसा तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
अच्छा एक मिनट रुके, आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले समझ गया ना, नहीं ये देखिए और लॉन्ग साजिद भाई, पहले इस हदीस पर मुकम्मल गुफ्तगू तो हो जाए ना। नहीं साजिद भाई थोड़ा जनरल बात करेंगे ना, ये जो लोग जानते हो ये कि मेरा प्रोफेशन नहीं है हदीस वगैरह, ये होना है आलिम गरीब प्रोफेशन से, मैं एजुकेशन एजुकेशन भाई सेकुलर भाई, अभी उसने चैट में क्या मैसेज भेजा है, प्राइवेट जो चैट है उसपे क्या मैसेज भेजा है, आपको पता होगा ना, हाँ वो जाने दो मैं करूंगा लास्ट में बात करूंगा उससे, अभी दूसरी बात करने का है करूंगा वो। अच्छा करे तुमने चैट का भी बात कर लिया तुमने, आपको शर्म नहीं है क्या, मतलब आप क्या मैसेज किए? अरे वो जिसके लिए बोला है, ओम भाई जिसके लिए बोला उसको खुद को शर्म नहीं है, उसने ये बोली कि मेरे को बोले जैसा कि इस्लाम के अंदर एक औरत को चार शादी करना जायज है। हाँ। तो, अच्छा तो सेकुलर 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 एक रुको 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 सुन मेरी बात सुन 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 एक मिनट, तूने सुनेगा, ये जो तुमने कमेंट किया है प्राइवेट चैट में वो व्यूअर्स को दिखा दिया जाए, कैमरा खोलो फिर हम आपका चैट दिखला देते हैं, ओके। जो तुमने बोला है, भाग गया महली जी आ गई जी, मैरी जी प्राइवेट चैट पढ़ लें आप, सॉरी नहीं मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं देख लेती हूँ। अच्छा जरा प्राइवेट चैट में तो बड़ी मोहब्बत से आपको पेश किया जा रहा है, चले कोई नहीं। आप लोगों को इसी तरह से तो लाइन दिखा दिखा कर जहन्नुम में लेके जाना है, मैंने मेरा तो प्लान ही है, जिस औरत का जिक्र किया ना फितना कुरान में वो मैं ही हूँ। थैंक यू सो मच, वाह भाई मेरा, इससे बढ़कर क्या चाहिए, मेरा रिप्ले भी देख लीजिए भाई। हाँ देख लिया चले, एक तब तक मैली जी सही है, आप अपना पुलसरात दिखाते रहिए और इन्हें गुमराह करते रहिए, कुरान में आप ही के बारे में आया है, देखते हैं अल्लाह कुछ उखाड़ पाता है कि नहीं। आजाद के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।